काफी बहस भी हुई थी, क्यों, क्या कारण था? देखिए, दो तीन दिनों से प्रदेश में कई हिस्सों में ओले पड़े, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। हम सदन में चर्चा करना चाहते हैं, सदन में चर्चा उस पर हो नहीं रही। एक बात कह रहे हैं, हम सर्वे करा रहे हैं। हमारी बहन सुनीता पटेल जो विधायक है, वो अपने क्षेत्र के खराब फसल लेके आई थी, गेट के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था। क्यों नहीं घुसने दिया जाएगा? क्या उसमें कोई वेपन है, हथियार है? क्या फसल लेके आना मना है? उस अन्नदाता की पीड़ा है, वो उसके आंसू है, उसमें उसका पसीना है। उसमें हम अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे, इतने में कृषि मंत्री जी आ गए। उन्होंने कहा जल्द से जल्द मुआवजा कर दिया जाएगा। हमने कहा कि इसके पिछले जो फसल नष्ट हुए उसमें कितने मुआवजा आपने दिए और तत्काल आप इन्हें मुआवजा दें। दरअसल ये सरकार किसानों को मुआवजा देना नहीं चाहती है। सिर्फ कल तक की विधानसभा है, विधानसभा तक किसी तरह से सर्वे कराने के नाम पर बात टालना चाहती है। उसके बाद जब निर्वाचित विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही है, तो वो किसान की बात कहाँ सुनी जाएगी? और किसानों को कुछ नहीं देगी? लेकिन कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता कमलनाथ जी, हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। आपने एक फसल कृषि मंत्री जी को भी दी थी, दिखाई थी, हुई है क्या आपने? हाँ, हमने जो वो खराब फसल है वो ला करके कृषि मंत्री जी को दिया है और उनसे आग्रह किया है कि ये किसानों का दर्द है, इसे समझे और तत्काल उन्हें राहत राशि उपलब्ध कराए। उन्नत के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं आपके, हम सर्वे पूरा करेंगे, एक महीने मुआवजा देंगे। आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कमलनाथ सरकार ने सर्वे के लिए राशि की बात करें तो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। हम आदिवासियों की हत्या की बात करें तो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। और ये हत्या में जिसकी हत्या हुई उसके खिलाफ FIR करें तो ये बड़े हरिश्चंद हैं। किसानों को फसल का मुआवजा ना दे तो ये बड़े हरिश्चंद हैं। बड़ी दिक्कत है। अरे भैया, तुम्हें ही आंसू बहा लो ना, बात तो आंसू बहाने की है। यदि किसी आदिवासी युवती के साथ ऐसी घटना हो रही तो बात आंसू बहाने की है, पूरे प्रदेश को आंसू बहाना चाहिए। यदि किसी आदिवासी की हत्या हो रही, पूरे प्रदेश को आंसू बहाना चाहिए। यदि आज किसान मर रहा है, उसकी फसल चौपट हो गई, पूरे प्रदेश को आंसू बहाना चाहिए। किसान अन्नदाता है हमारा, आंसू आप भी बहाओ ना। आपको हमारे आंसू घड़ियाले दिख रहे हैं, आप आंसू बहाने की नौबत क्यों दे रहे हो? आप तत्काल राहत क्यों नहीं दे रहे हो? ये सरकार अब जनता समझ चुकी है, ये सरकार भी समझ चुकी है कि इनके पास कुछ नहीं है और इनकी अब चला चली की बेला है, इसलिए समय काट रहे हैं। देखिए, एक तो ये समझ आना चाहिए कि फसल अभी आई, फसल कटती, फसल कटने के बाद में निकलती, निकलने के बाद में किसान मंडी जाता, वहाँ बेचता, फिर पैसा आता है, एक या MSP पे बेचता, फिर पैसा आता है। अभी ओले गिरे, अभी किसी के हाथ में आकर रोकना नहीं। बारिश ओले प्राकृतिक आपदा है, लेकिन प्राकृतिक आपदा में सरकार किसानों के साथ खड़ी है, ढाल बनकर। ये क्षति सरकार की क्षति अपने ऊपर ले रहे हैं। हम RBC 6-4 में और बीमा कंपनी से पैसा दिलाएंगे, जल्दी से जल्दी दिलाएंगे। जितना पैसा होटल बेच के लाते हैं, उस समय उसमें पूर्ति करेंगे, क्षति की पूर्ति करेंगे। पर मैं कांग्रेस के लोग घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि इनकी सरकार 60 साल रही, RBC 6-4 में 60 साल में इन्हें एक परिवर्तन नहीं किया। जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, मैं राजस्व मंत्री बना, क्योंकि मैं किसान हूँ, मैं किसानों के लिए संघर्ष करके राजनीति में यहाँ तक पहुँचा हूँ, और उसकी किसान की एक एक समस्या मुझे पता है। तो RBC में परिवर्तन ही हमने किया मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में। कांग्रेस के राज में 40 रुपये और 80 रुपये मिलते थे, इसके ऊपर कभी नहीं मिले। और हमने एक एक किसान को लाखों रुपये दिए, हमने 5,000 करोड़ RBC 6-4 में दिए और 17,000 करोड़ बीमा दिया। कांग्रेस के राज में 60 साल में बीमा ही नहीं होता था। हम उनसे पूछते हैं कि तुमने तुम्हारी सरकार की जब क्या दिया किसानों? किसानों की जमीनें बिकवा दी तुमने, किसान आत्महत्या करते थे, किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में मरता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान की आय हम दोगुना करने का संकल्प लिया, हमने RBC में परिवर्तन किया, हमने बीमा फसल बीमा योजना लाया, हमने वन ग्राम का भी बीमा नहीं होता था, वो भी हमने शुरू कर दिया, राजस्थान को जोड़ के। और इसलिए वन ग्राम में भी ओले गिरे तो उनको भी राशि मिलेगी। बीमा इंडिविजुअल नहीं होता था, पूरी तहसील का होता था, हमने पटवारी हल्का कराया, बुकिंग में नहीं कराया। और अब इंडिविजुअल किसान के अगर ओले गिरते तो एक पंक्ति से गिरते, एक लाइन में किसान 1, 2, 3, 4, तो जितने भी किसान आएंगे उनका वीडियोग्राफी करके सर्वे होगा। सर्वे के बाद में नजरिया आकलन होकर ये किसान इनकी फसल खराब हुई, इनके भी दस्तखत होंगे, ये कहेंगे मेरा इतना नुकसान हुआ, तो लिखेंगे। एक कापी इनके पास रहेगी पंचायत में, एक कापी रहेगी पूरा क्षति की पूर्ति बीमा कंपनी से। एक माह के कांग्रेस के लिए कितना सर्वे हुआ? अभी तक कोई सर्वे नहीं हो जाए, ये सर्वे 40,000 रुपए हेक्टेयर की मेरी बात सुनो, मांग करना अलग बात है, ये मांग करें 40 रुपए पूरी फसल खराब होने देते थे ये। और इसलिए
हमने सर्वे के आदेश दिए, सर्वे होगा, टीम जाएगी, ऐसा थोड़ी आज ओले गिरे, अभी अभी हर एक खेत में जाएगी किसान। दूसरा एक किसान भाइयों, मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से आह्वान कर रहा हूँ कि चिंता मत करो, आपका संकट सरकार ने अपने ऊपर लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार, किसानों की सरकार, कमल पटेल कृषि मंत्री है, किसान पहले हैं बाद में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री बाद में पहले किसान है, इसलिए हम किसान के साथ हमेशा रहे। हमने 17,000 करोड़ बीमा दिया, दो साल ठीक हो, कांग्रेस ने तो कमलनाथ जी 15 महीने गए, तुमने 2 लाख का कहा तो नहीं दिया, तुमने बीमा नहीं किया, 1 रुपया प्रीमियम जमा नहीं किया, और इसके अलावा फाइनेंस जो है 100% होता था बीमा, उसको 75 कर दिया, वापस हमने 100% किया, और इसलिए 1 माह के अंदर पूरा सर्वे कराकर किसानों के खातों में आरबीसी 6,000 से और बीमा से राशि दिलाएंगे। अगर एक किसान का भी है तो एक किसान को भी बीमा मिलेगा, एक एक पाई का हिसाब। सर्वे कितने घंटे में हो जाएगा? घंटे में सर्वे नहीं होगा, दिन में, यही तो दिक्कत है। आप 72 घंटे बोल रहे हैं, कितने दिन में हो जाएगा बता दें? 72 घंटे बोल रहे हैं, 72 घंटे में सर्वे, 72 घंटे में सूचना देने पर बीमा कंपनी के लोग आएंगे, वीडियोग्राफी करके सर्वे करेंगे, हम तो सेटेलाइट से भी कर रहे हैं, उससे भी जो नुकसान होगा उसका आंकलन हो जाएगा, उसकी रिपोर्ट भी ले रहे हैं, और 1 माह के अंदर हम किसान को आराम से 6,000 रुपये की राशि देंगे।